दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उस वक्त दिन के 12:30 बजे थे और टाइगर भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। उसकी आदत थी कि वो सुबह नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर तिलावत करता और फिर सो जाता और फिर 12:01 बजे उठकर तैयार होकर बैठ जाता। अभी वो नहा धोकर तैयार होकर कुर्सी पर बैठा बूट के तस्मे बांध रहा था कि अचानक बाहर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है, टाइगर ने दरवाजा खोलने से पहले ऊंची आवाज में पूछा। रोजी, बाहर से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि आज से पहले कभी कोई औरत उसके कमरे में ना आई थी और ना वो किसी को इतनी लिफ्ट देता था। वैसे भी वो रोजी नाम की किसी लड़की से वाकिफ ना था। उसने हाथ बढ़ाकर चटखनी हटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक नौजवान और खूबसूरत मकामी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके जिस्म पर जींस की पतलून और चमड़े की जैकेट थी। उसके बाल कांधों तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। तुम्हारा नाम टाइगर है, बाहर मौजूद लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मगर आप मुझे कैसे जानती हैं, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम मुझसे डरते हो जो मुझे अंदर आने का भी नहीं कह रहे, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ लाइए, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा और एक तरफ हट गया। लड़की बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसने एक तायराना नजर कमरे पर डाली और फिर दीवार में मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गई जिसमें किताबें मौजूद थीं। कमाल है, इतनी मोटी मोटी किताबें, बहुत खूब, तो तुम पढ़े लिखे हो, ये तो और भी खुशी की बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। टाइगर बड़ी हैरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे शायद इस लड़की की आमद की वजह तस्मिया समझ न आ रही थी। वैसे उसने इस लड़की को पहली बार देखा था। देखिए मोहतरमा, आप ये बताएं कि आप क्यों आई हैं और आपको क्या काम है। ये वक्त मेरे बाहर जाने का है, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ बैठकर बातें नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ बातें करनी है तो फिर किसी वक्त आइए, टाइगर ने आखिरकार कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें बूढ़ी नजर आ रही हूँ, लड़की ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मतलब, ये बुढ़ापा और जवानी कहां से दरमियान में अटपकी है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम मुझे आप कहकर पुकार रहे हो और बड़े भारी भारी लफ्ज बोल रहे हो, तशरीफ लाइए, मोहतरमा वगैरह, ये अल्फाज तो बुढ़ी औरतों को कहे जाते हैं जबकि मैं तो नौजवान हूँ। अलबत्ता तुम्हारी आंखों में कोई ऐसे लेंस लगे हुए हों कि तुम्हें नौजवान लड़की बुढ़ी नजर आ रही हो तो और बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ऐसे ही सही, तुम नौजवान भी हो और खूबसूरत भी, और बोलो, टाइगर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर मिर्चें क्यों चबा रहे हो, क्या नौजवान और खूबसूरत लड़कियों से इस तरह बात की जाती है, इत्मीनान से बैठो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। और ये दरवाजा तुमने बंद क्यों नहीं किया, इसे बंद कर दो, सर्दी बढ़ रही है, लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बड़े गौर से उस लड़की को देख रहा था। वो ये सोचकर उसे देख रहा था कि कहीं ये लड़की मेकअप में तो नहीं है। वाह, ये है असल तरीका नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को देखने का। जब कोई नौजवान इस तरह लड़कियों को देखता है तो लड़कियों को महसूस होता है कि वो नौजवान भी है और खूबसूरत भी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा करो कि एक बोर्ड बनवा लो जिस पर लिखा हुआ हो मैं खूबसूरत भी हूँ और नौजवान भी, मुझे ठहर कर देखिए और फिर उस बोर्ड को अपने गले में लटका लो, टाइगर ने हंसते हुए कहा। उसने भी शायद सोच लिया था कि ये लड़की आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो भी इजी हो गया था। बोर्ड तो बूढ़ी औरतें लगाती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, तुमने ये तो देखा होगा कि मेरे चेहरे पर तो मेकअप भी नहीं है और इसके बावजूद मैं खूबसूरत भी हूँ और जवान भी, लड़की ने जवाब दिया।
अगर कहो तो मैं लिख कर दे दूं सर्टिफिकेट, टैगर ने जिज होते हुए कहा। बस बस, तुम्हारा मूड फिर ऑफ होने लग गया है, इसलिए अब मजीद इस पॉइंट पर बात नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा नाम रोजी है, रोजी आर्थर। आर्थर मेरे बाप का नाम है और मेरे बाप अपने दौर का बड़ा मशहूर पेशावर कातिल था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है और अब सिवाय शराब पीने और गालियां बकने के उसे और कोई काम नहीं है। मेरी माँ उसीलिए उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है, चुनांचे मैं आज़ाद हो गई। मुझे बचपन से ही अपने बाप वाला पेशा बेहद पसंद था, इस पेशे में विपना एडवेंचर है। चुनांचे मैंने अपने बाप से कहा कि वो मुझे इस पेशे के गुर सिखाए। मेरा बाप ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, अब उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए उसने ना सिर्फ मुझे गुर सिखाए बल्कि वो मुझे एक बेहतरीन निशानाबाज के पास ले गया, जिसने मुझे निशानाबाजी सिखाई। उसके बाद मेरे बाप ने मुझे पकेशिया की जेर ज़मीन दुनिया में मुतारफ करवाया और मुझे काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन मुझे बड़े छोटे छोटे केस मिलते रहे जिनसे मैं बोर हो गई और फिर मैंने ये काम छोड़ दिया और मैंने होटल मेट्रो में सर्विस कर ली। होटल मेट्रो के तहखानों में जुआ होता है और जुए के दौरान अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मेरा काम उन लड़ते हुए लोगों की ठगाई करना और फिर उन्हें जुए खाने से बैर भिजवाना था। कुछ अरसा इस काम ने खासा लुत्फ दिया, लेकिन फिर यकसानियत से मैं बोर हो गई तो मैंने ये सर्विस छोड़ दी और एक जराइम पेशा ग्रुप में शामिल हो गई और बड़े बड़े जराइम शुरू कर दिए। लेकिन फिर मेरी ग्रुप के चीफ से लड़ाई हो गई और नतीजा ये कि मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। चुनांचे मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया तो मैंने अपना ग्रुप बना लिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना हुआ क्योंकि जो मैं चाहती थी उस पर इस ग्रुप के लोग पूरा ना उतरते थे, इसलिए मैंने ग्रुप तोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि ज़ेर ज़मीन दुनिया में एक बदमाश टोनी पार्कर का बड़ा रोल है। मैंने एक होटल में सरेआम उसे ललकार दिया और मैंने टोनी के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ डाली। इस तरह सब पर मेरा रोब पड़ गया और मैं ज़ेर ज़मीन दुनिया में मशहूर हो गई। कल होटल लॉर्ड में एक आदमी मुझसे उलझ पड़ा, मैंने उसे उठाकर पटक दिया तो उसने कहा कि इतनी लड़ाका बनती हो तो जाकर टाइगर से लड़ो। मैं ये नाम सुनकर हैरान हुई। जब मैंने पूछ की तो पता चला कि टाइगर का नाम ज़ेर ज़मीन दुनिया के बलाई तबकों में दहशत का निशान बना हुआ है और लोग उसे इस तरह डरते हैं कि इतना मौत से भी नहीं डरते। मुझे बताया गया कि टाइगर बड़ा सुरपसंद आदमी है लेकिन इंतहाई हद छोट और ज़बरदस्त लड़ाका है। फिर बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि तुम इस होटल में रहते हो और सिर्फ रात के कमरे में आते हो, चुनांचे मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ, लेकिन तुम तो मुझे लड़ाका और बदमाश की बजाय कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान दिखाई देते हो। ना ही तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, ना भरी हुई दाढ़ी, ना तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं और ना तुम्हारा चेहरा रोबदार है। जिस्मानी लिहाज से भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो, मुझे तो यूं लगता है जैसे तुम खलंडरे से नौजवान हो और बस, रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। जो कुछ तुमने महसूस किया है मैं वाकई ऐसा ही हूँ। अगर मैं कोई बड़ा गुंडा और बदमाश होता तो जाहिर है अपनी शक्ल से ही लगता और यहाँ इस छोटे से होटल के कमरे में रहने की बजाय किसी आलीशान महल में रह रहा होता और मेरी शक्ल सूरत ऐसी ही होती जैसी तुम बता रही हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी शोहरत बहुत ज्यादा है और है भी ऊंचे तबके में, इस शोहरत की क्या वजह है, रोजी ने कहा। ज़ेर ज़मीन दुनिया का ऊंचा तबका भी आम दुनिया के ऊंचे तबके की तरह होता है, बस चंद गुंडे रख दिए और बड़े गुंडे बन गए, लेकिन अंदर से वो भी बड़े बुजदिल होते हैं, इसलिए उन पर रोब भी आसानी से डाला जा सकता है। मुझे जब भी रकम की ज़रूरत होती है मैं जाकर उन पर रोब डाल देता हूँ और वो बेचारे मुझसे डर कर मुझे रकम दे देते हैं, बस इतनी सी बात है, टाइगर ने जवाब दिया। चलो, किसी किसी पर तुम्हारा रोब काम दे जाता होगा लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई भी तो हो जाती होगी, रोजी ने कहा। हाँ, सैकड़ों बार, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या नतीजा निकलता है, रोजी ने चौंक कर कहा। नतीजा तुम्हारे सामने है, टाइगर ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब, रोजी ने हैरान होकर पूछा। यही कि मैं सही सलामत तुम्हें नजर आ रहा हूँ, मेरे जिस्म की कोई हड्डी भी टूटी हुई नहीं है, टाइगर ने जवाब दिया। अब वो भी लुत्फ ले रहा था, उसे महसूस हो गया था कि लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है इसलिए उसे उलझने का कोई फायदा नहीं। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि सैकड़ों लड़ाइयों में तुम ही जीते हो, रोजी ने कहा तो टाइगर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जीत न जाता तो फिर कोई ना कोई हड्डी टूट जाती, मैं तो बस ऐसे मौके पर भागने में ही अफियत समझता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और रोजी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे लड़ो तो फिर क्या करोगे तुम, रोजी ने हंसते हुए कहा। जाहिर है भाग जाऊंगा और क्या कर सकता हूँ।
अब तुम जैसी लेडी बदमाश से भला कौन लड़ सकता है? टाइगर ने कहा तो रोजी एक बार फिर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोजी आर्थर की बजाय रोजी रास्कल कहते हैं, रोजी ने जवाब देते हुए कहा। रास्कल गर्ल ज्यादा अच्छा नाम है, वरना लेडी रास्कल से फिर तुम बूढ़ी नजर आने लग जाओगी, टाइगर ने कहा। नहीं, गर्ल भी गलत है, इसे रोब नहीं पड़ता। अलबत्ता लेडी रास्कल चल सकता है, इसे रोबो दबदबा पड़ जाता है, लेकिन तुम मुझे रोजी रास्कल भी कह सकते हो और लेडी रास्कल भी, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो, रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो तुम्हें लेडी रास्कल ही कहूंगा, क्योंकि रोज गुलाब के फूल को कहते हैं, उसके साथ रास्कल कुछ अच्छा नहीं लगता, टाइगर ने कहा तो रोजी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई पढ़ने लिखने वाले आदमी हो, ओके, बाहर हाल तुमसे मिलकर खुशी हुई है, मैं तो ये सोचकर आई थी कि तुमसे दो दो हाथ करूंगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं टाइगर से भी नहीं डरती, लेकिन तुम तो बेचारे मासूम से आदमी हो, अब तुमसे क्या लड़ना, ओके तुम किताब पढ़ो। हाँ एक बात, अब अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए कहे तो तुमने भागना नहीं, बल्कि उसे मेरा हवाला दे देना, फिर वो खुद ही भाग जाएगा, रोजी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुमसे मुलाकात कहाँ हो सकती है, मेरा मतलब है कि कभी कोई मेरे पीछे भाग पड़े तो मैं उसे तुम तक पहुंचा दूं, टाइगर ने भी उठते हुए कहा। जब भी जरूरत पड़े तो रोज क्लब आ जाना, ये मेरी मिल्कियत है, रोजी ने कहा। रोज क्लब, ये कहाँ है, टाइगर ने चौंक कर पूछा। पहले उसका नाम जाफ क्लब था, लेकिन मैंने उसे जबरन खरीद लिया है और अब उसका नाम रोज क्लब रख दिया है, अब जाफ उसका मैनेजर है, रोजी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, और अब वो कर भी क्या सकता था, टाइगर ने हंसते हुए कहा, और रोजी वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। टाइगर उसके पीछे था ताकि उसके पैर जाने के बाद दरवाजा बंद कर सके। रोजी ने दरवाजा खोला और बैठ जाने ही लगी थी कि यक लाख कमरे में सीटी की आवाज गूंज उठी और टाइगर के साथ साथ रोजी भी बेख्तियार उछल पड़ी। ये कैसी आवाज है, ये तो ट्रांसमीटर की आवाज लगती है, रोजी ने वहीं रुककर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जाओ, ये ट्रांसमीटर नहीं है, अलार्म की आवाज है, मेरे बैठ जाने का वक्त हो गया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अलार्म की आवाज नहीं, ये ट्रांसमीटर की आवाज है, तो तुम्हारे पास ट्रांसमीटर भी है, बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई कुछ हो, अब तो मैं नहीं जाऊंगी, रोजी ने वापस मुड़ते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख चीखती उछली और एक धमाके से दरवाजे से बाहर रातदारी में जा गिरी और टाइगर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और तेजी से मुड़कर कोने की दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से अलमारी खोली और अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर उसने मेज पर रखा। ट्रांसमीटर से मुसलसल सीटी की आवाज निकल रही थी। टाइगर ने उसका बटन ऑन कर दिया। इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ से बोल रहे हो, ओवर, इमरान की आवाज सुनाई दी। आपने कमरे से बॉस, बस जाने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आप तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे। मैंने परसों सुलमान को फोन किया था तो उसने बताया था, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ, आज सुबह ही वापस आया हूँ, तुमने एक काम करना है। यहाँ ज़ेर ज़मीन दुनिया में कोई खातून है जिसे लेडी रसल कहा जाता है, उसे तलाश करना है। क्या तुम उसे जानते हो, ओवर, इमरान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। लेडी रास्कल या रोजी रास्कल, ओवर, टाइगर ने जल्दी से पूछा। इसका मतलब है कि तुम उसे जानते हो, कौन है ये और इसका अदूदे अरबा क्या है, ओवर, इमरान ने कहा। नौजवान लड़की है, किसी पेशावर कातिल आर्थर की बेटी है और सुना है कि लड़ाई बढ़ाई की बड़ी शौकीन है, आजकल रोज क्लब की मालिका है, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। बड़ी तफसील से जानते हो, मेरा तो ख्याल था कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़ा करते, इसलिए तुम्हें उसे तलाश करना पड़ेगा, ओवर, इमरान का लहजा कदरे नाखुशगवार था। अभी 10 मिनट पहले उसे मेरी मुलाकात हुई है और जिंदगी में पहली बार मैंने जो कुछ आपको बताया है ये भी उसने खुद बताया है। 10 मिनट पहले, अगर आप कॉल करते तो मैं उसका नाम तक ना बता सकता, ओवर, टाइगर ने कहा। 10 मिनट पहले मुलाकात हुई है, क्या मतलब, क्या आप तुम औरतों से अपने कमरे में मुलाकातें करने लग गए हो, ओवर, इमरान का लहजा और ज्यादा नाखुशगवार हो गया तो टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक से लेकर ट्रांसमीटर कॉल आने और रोजी रास्कल को बाहर फेंककर कॉल अटेंड करने तक की सारी तफसील बता दी। अच्छा, फिर तो वाकई दिलचस्प किरदार है, अगर अभी बाहर मौजूद हो तो मेरी उससे बात कराओ, ओवर, इमरान ने कहा। मैं देखता हूँ, ओवर, टाइगर ने कहा और बटन ऑफ करके वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
उसने चटनी खोली ही थी कि दरवाजा एक झटके से खुला और उसके साथी वो उछलकर एक तरफ हट गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो रोजी का गुंसा उसके मुंह पर पड़ता। ये लड़ाई फिर मुझसे कर लेना, पहले मेरे बॉस से मिल लो, उसने तुम्हारे मुतलक ही पूछा है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है इसलिए अब तुम बच तो नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हारा बॉस कौन है, क्या कोई बड़ा गुंडा है, रोजी ने अंदर दाखिल होते हुए उसीले लहजे में कहा। अरे नहीं, गुंडा नहीं है, बड़ा मासूम सा आदमी है, लेकिन है मेरा बॉस, आओ आओ, टाइगर ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो बॉस, रोजी रास्कल बैट दरवाजे के साथ खड़ी ट्रांसमीटर पर होने वाली बातें सुन रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे मुंह पर गुंसा मारने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। आप पहले इससे बात कर लें क्योंकि इसने मुझे चैलेंज दे दिया है कि अब मैं उसके हाथों से बच नहीं सकता, ओवर, टाइगर ने कहा। वाह, तो फिर कल वलीमा खाने आ जाऊँ, ओवर, दूसरी तरफ से इमरान की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर, अब क्या रोजी रास्कल तुम्हारे इस मच्छर से शादी करेगी, ओवर, रोजी रास्कल ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। अरे अगर तुम टाइगर को मच्छर कह रही हो तो फिर तो तुम्हारे लिए कोई गैंडा अफ्रीका से दरामद करना पड़ेगा, लेकिन टाइगर का ये कमरा तो बहुत छोटा सा है, क्या होटल के हाल के लिए बात करा दूं, ओवर, इमरान की शरारत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हूँ, पूछ लो आपने इस टाइगर से मैं कितनी स्मार्ट और खूबसूरत हूँ, ओवर, रोजी ने एक बार फिर उसीले लहजे में कहा। चलो मैं बगैर देखे ही मान लेता हूँ, ये बताओ कि तुमने टेरी हाउंड को कहाँ छोड़ा है, ओवर, इमरान ने कहा, तो रोजी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। टेरी हाउंड, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो तुम्हारा कैसे वाकिफ है, ओवर, रोजी रास्कल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैंने उसे कर्जा लेना है, एक साल से उसकी मिनतें कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, अब बड़ी मुश्किल से अमादा हुआ और उसने मुझे फ़ोन किया कि वो रकम लेकर आ रहा है, लेकिन फिर इत्तला मिली कि वो किसी रोजी रास्कल के साथ गया है और अभी तक उसका पता नहीं चल सका, ओवर, इमरान ने कहा। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका ताल्लुक ग्रेट लैंड से है और वहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ओवर, रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तो मैंने कब कहा है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है, ये शरीफ आदमी है, ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम्हें उसे कर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि अब वो बेचारा जिंदा ही नहीं रहा, वैसे मैंने उसकी तलाशी ली थी, उसकी जेब में सिर्फ $10 थे, उसकी लाश होटल ग्रांड के कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में मौजूद है, बेशक जाकर देख लो, ओवर, रोजी रास्कल ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या उसने तुमसे लड़ने की हमाकत कर डाली थी, ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर ऐसी हरकत करता तो होटल ग्रांड के बजाय किसी गटर में कीमा बनकर पड़ा होता, मेरी उसे मुलाकात होटल सनशाइन में हुई थी, उसने मुझे होटल ग्रांड में अपने कमरे में चलने और वहाँ बैठकर शराब पीने की दावत दी, मैंने ये दावत इसलिए कबूल कर ली कि मुझे उसकी जैकेट बेहद पसंद आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो अगर उसके साथ दो चार मिनट की कमोनी से ये जैकेट मिल जाए तो अच्छा है, चुनाचे मैं रजामंद हो गई और फिर हम दोनों होटल सनशाइन से होटल ग्रांड आ गए और कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में जाकर हम बैठ गए, फिर उसने शराब मंगवाई और हमने शराब पीना शुरू कर दी, फिर न जाने उसे क्या हुआ कि उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसकी आंखों में हैवानियत झलकने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूं, लेकिन उसने मेरी बात की परवाह न की, तो मैंने जेब से खंजर निकाला और दूसरे लम्हे खंजर उसकी शहराग में उतर गया और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने अपना खंजर वापस निकाला और फिर उसकी जैकेट जो उसने उतार कर कुर्सी पर डाल दी थी उठाकर पहन ली। जैकेट में एक साइलेंसर लगा रिवाल्वर था और $300 के नोट, वो मैंने वहीं फेंक दिए और कमरे से निकल आई, ओवर, रोजी रास्कल ने कहा। तुमने अच्छा किया कि वो $400 वहीं फेंक दिए, चलो इस तरह मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और टैगर ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये तुम्हारा बॉस बहुत ही गरीब आदमी लगता है, कौन है ये, इसका क्या हदूद अरबा है, रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। हदूद अरबा क्या होना है, सीधा साधा मासूम सा आदमी है, मेरी तरह फ्रीलांसर है, कभी काम मिल जाता है तो कर लेता है वरना फारिग रहता है, लेकिन क्या तुमने वाकई टेरी हाउंड को कत्ल किया है, टाइगर ने कहा। तो और क्या, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने मुझे बाहर क्यों धकेला था, बोलो, रोजी ने कहा। सॉरी, असल में बॉस का हुक्म यह है कि जब उसकी कॉल हो तो कमरे में कोई ना होना चाहिए, अब मुझे कहीं क्या मालूम था कि बॉस तुम्हारे ही मुतलक बात करेगा, टाइगर ने कहा। ये तुम्हारा बॉस कैसे बन गया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। मैंने इसे दूसरों पर रोब डालना सीखा है, ये इस काम में माहिर है, जब चाहे दूसरों पर ऐसा रोब डालता है कि लोगों के जिस्म कांपने लग जाते हैं, और चूंकि बाहर हाल वो इस काम में मेरा उस्ताद है इसलिए मैं उसे बॉस कहता हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ रहता है ये, रोजी ने पूछा। सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट उसका दोस्त है, उसके फ्लैट में रहता है किंग रोड पर, टाइगर ने दरवाजे की तरफ पड़ते हुए कहा। तुम अब कहाँ जा रहे हो, रोजी ने पूछा। काम पर, टाइगर ने कहा तो रोजी चौंक पड़ी। किस काम पर,
रोजी ने पूछा। यही घूमूंगा फिरूंगा, कोई मालदार आसामी नजर आएगी तो उस पर रोक डालूंगा और उससे रकम हासिल कर दूंगा, क्योंकि आजकल बड़ी कड़की है, कहीं रोज से कोई काम की ऑफर ही नहीं मिल रही, वरना तो मैं चाय के लिए ना पूछता। टैगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। तुम और तुम्हारा बास दोनों ही कंगले हो, मैंने खामखा यहाँ आकर अपना वक्त जाया किया है, रोजी ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाती सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। और टैगर भी इख्तियार मुस्करा दिया और फिर दरवाजा बंद करके उसे लॉक किया और इत्मीनान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।